శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండలపైన చక్కగా कटिशाय। भक्तजनों, आज ब्रह्मोत्सवों का, खास करके दशहरा ब्रह्मोत्सवों का पंचम दिवस है, पांचवा दिन है। इस दिन पर गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर के भगवान भक्तजनों के सामने अपना दिव्य दर्शन प्रदान करने के लिए थोड़ी ही देर में निकल रहे हैं। अभी वाहन मंडप में हैं और वाहन मंडप से जैसे ही पर्दा उतरता है, पर्दा खुलता है, तो भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। और गरुड़ वाहन की विशेषता भी है, पांचवें दिन पर है, भगवान के साथ हमेशा रहने वाले गरुड़ हैं। भगवान को अपने भगवान के मन के वेग के साथ भक्तों की रक्षा के लिए ले जाने वाले वाहन के रूप में गरुड़ बहुत ही ख्यात है। भगवान गरुड़ का यह उत्सव आज पांचवें दिन पर तिरुमलम पर भक्तजनों के सामने विराजमान होकर के भगवान आ रहे हैं। लीजिए, भगवान वाहन मंडप में अभी हैं, वाहन मंडप में थोड़ी ही देर में अभी भक्तों के सामने आने वाले हैं। भक्तजनों, एक विशेषता है आज भगवान की इस सेवा में, खास करके गरुड़ सेवा रूढ़ भगवान को देखने की।
మఠవరములు రంగ దుత్తుంగ మాతంగ తురంగముల్ పొమరారు బహు సాధు గోగణములు ముద్దుగా పల్కు శుకపికములును నీలకంఠములును మరాళ సంఘములు మరియు ఫలచయంబులు తులసి కాదల సుమములు వెంకటేశాయ. ప్రియ భక్తజనం, వెంకటాచల పహాడ్ పరిస్థిత శ్రీ ఆనంద నిలయం మందిర్కే సామ్నే శ్రీ వెంకటేశ్వర భగవాన్కే పాంచవే దినకే బ్రహ్మోత్సవకే సందర్భమే అభి ఆజ దేఖ రహే హే ఆప్ కి గరుడ వాహన్ పర్ ఆరూఢ హోకర్ స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర జో కలియుగ దేవాది దేవ్ మానే జాతే హే వెంకటేశ్వర స్వామి अपने जो है सज धज कर जो है रात के इस समय जो शोभा यात्रा पर निकल पड़े हैं. देखिए कितना आनंद का जो है हर्ष का ये जो है मौसम जो है यहाँ पर हो रहा है. स्वामी देखिए कि कितने आभरणों के साथ रंग बिरंगे फूलों के साथ पूरे सज धज कर जो है अभय अस्त प्रदान करते हुए एक हस्त जो है धरती की तरफ जो है दिखाते हुए स्वामी यहाँ पर जो है हमें पुण्य दर्शन जो है दे रहे हैं. भक्तजनों, वेंकटेश्वर स्वामी के स्तोत्र में ये कहा गया है, अवनीत नया कमनीय करम रजनी कर चारु मुकाम्बुरु हम रजनी चरराज तमो मिहिरम महनीयम अहम रघुराममये. देखिए वो राम तत्व, वो राम रूपी ये ब्रह्मोत्सव की ये बड़ी विशेषता है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री महाविष्णु के जो है एक अवतार के रूप में माने जाते हैं. उसमें दसों अवतारों की कथाएं पौराणिक इतिवृत्त के साथ जो है स्वामी को यहाँ दिखाते हैं. कल जो है आपने देखा होगा कि मोहिनी के रूप में, उसके पहले राम के रूप में, कृष्ण के रूपों में, अनेक रूपों में जो है स्वामी ने पुण्य दर्शन दिए हैं. आज देखिए अपने अत्यंत प्रिय वाहन गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर स्वामी भक्तजनों को वो जो है सौंदर्य बिखेरते हुए पुण्य दर्शन दे रहे हैं. गरुड़ जो है अंडज है, ये जो है
विश्व सेन की तरह नित्य सूर्य में एक सूर है, सदा श्री महाविष्णु के साथ रहने वाले, श्री महाविष्णु के वाहन के रूप में प्रचलित हैं। उस अत्यंत प्रिय वाहन पर जो है स्वामी श्री वेंकटेश्वर जी आरूढ़ होकर तिरुमाड़ वीधियों में अभी अभी शोभा यात्रा में निकल पड़े हैं। देखिए कि वो स्वामी जो वास्तव में ये जो है इसकी एक महानता है, इस वाहन सेवा की महानता ये है कि इस वाहन सेवा के समय कि आंडाल जो है जो आलवार भक्त भक्तिन मानी जाती है, उस आंडवाल के द्वारा जो है पहनी हुई पुष्पमाला के साथ और सहस्र नाम दलों के साथ बनाई गई बड़ी सोने की जो है हार पहनकर जो है स्वामी निकलते हैं अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर, कि मानो ये कहा जाता है सहस्र कोटि सूर्य की शक्ति, सहस्र कोटि सूर्य के प्रकाश स्वामी में है। ये कहा गया है सप्तस्वरदमारूढ़ प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम त्वम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। शत करोड़ सूर्यों की शक्ति और प्रकाश स्वामी के उस दिव्य दर्शन में भक्तजनों आप प्राप्त कर रहे हैं। इतनी शक्ति और इतना प्रकाश जो है और किसी देव में आप नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है वेंकटात्रि समम स्थाने ब्रह्मांडे नास्ति किंचना वेंकटेशो सोमो देवा न भूतो न भविष्यति। ये कहा गया है वेंकटेश्वर जैसे स्वामी इस कलयुग में और कोई दूसरे नहीं है, और वेंकटात्रि जैसे पहाड़ भी इस पूरी सृष्टि में इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। ये वेंकटाद्रि ही साक्षात आदिशेष का रूप है, आदिशेष ही यहाँ पर वेंकटाचल के रूप में यहाँ पर जो ये स्वामी की आज्ञा से यहाँ पर आए हैं, उस वेंकटाद्रि पर श्री वराह स्वामी की अनुमति से जो ये स्वामी यहाँ पर बसे हैं, एक दूसरा वैकुंठ बनाया अपने कलयुग के भक्तों के उद्धार के लिए। कलयुग में जितने सारे भक्त हैं वेंकटेश्वर अवतार के कारण जो है उनका उद्धार हो रहा है। वास्तव में जितने सारे उनके रूप हैं, वैकानस आगम में ये कहा गया है कि स्वामी के पांच रूप हैं, परा व्यूहा विभवा अंतर्यामी और अर्चा रूप है। विभव रूप में स्वामी ने अनेक अवतार लिए, अनेक अवतारों के साथ कई दुष्टों का राक्षसों का स्वामी ने संहार किया, बल्कि वेंकटेश्वर अवतार में जो है राक्षसों के संहार के अलग से जो है फिर यहाँ पर भक्तजनों के उद्धार के लिए, कलयुग में जन्म लेने वाले भक्तजनों के उद्धार के लिए स्वामी ने यहाँ पर वेंकटाद्रि पहाड़ पर बचे हैं, कि ये जो है राक्षसी गुण जिन लोगों में है उन गुणों को कम करके देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। ताम्नाय गानम् खगाधीशयानम् विमुक्तेर्निदानम् हराराटिमानम् स्वभक्तानुकूलम् जगद्वृक्षमूलम् स्वभक्तानुकूलम् जगद्वृक्षमूलम् निरस्तारशूलम् भजेगम् भजेगम् निरस्तारशूलम् भजेगम् भजेगम् कृताम्नाय गानम् खगाधीशयानम् विमुक्तेर्निदानम् हराराटिमानम् स्वभक्तानुकूलम् जगद्वृक्षमूलम् स्वभक्तानुकूलम् जगद्वृक्षमूलम् निरस्तारशूलम् भजेगम् भजेगम् निरस्तारशूलम् भजेगम् भजेगम्। ज्ञानवैराग्यपक्षकडुदिव्यरूपमा करुणवाहनमा श्रीहरिसेवा
पक्ष ज्ञान वैराग्य पक्ष कडुर्दिव्य रूपमा करुण वाहनमा కలియుగ వైకుంఠకే రూపమే ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్ర తిరుమల క్షేత్రమే హమేష కొయిన కొయి ఏక ఉత్సవ బహుత హీ రమణీయ రూపసే మనాయా జాతా హై ఇస్మే కయి ప్రకార కే ఉత్సవం కో హమ్ హర్ దిన్ దేఖ్ సక్తే హై జిస్మే నిత్య సాప్తాహిక పక్ష మాస ఏవం వార్షికోత్సవ आज हम जिस उत्सव को देख रहे हैं वह ब्रह्मोत्सव है जो इसका बहुत ही विशिष्ट स्थान है। उत्सव का अर्थ है महायज्ञ, भक्तों के समस्त संकटों की दूरी करने के लिए एवं भक्तों को कल्याण प्रदान करने के लिए उत्सवों को मनाया जाता है। उन उत्सवों में ब्रह्मोत्सव का बहुत ही विशिष्ट स्थान है और उसमें भी आज का दिन बहुत ही विशिष्ट है। श्री वैष्णव संप्रदाय में गरुड़ सेवा को पेरिय तिरुवड़ी अर्थात
महान सेवा के रूप में बताया जाता है। ऐसे महान सेवा कहलाने वाले गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भक्त जनों को दर्शन देते हैं। देखिए यहाँ पर कई भक्तजन भगवान के दर्शन के वीक्षण के लिए बहुत ही तत्परता के साथ श्रद्धा के साथ यहाँ पर उनके निरीक्षण में लगे हुए हैं। गरुड़ साक्षात वेद पुरुष हैं। हर साल वेद वेद्य कहलाने वाले श्री बालाजी वेद पुरुष गरुड़ालवार पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देते हैं। आज भी उसी क्रम को हम यहाँ पर देख रहे हैं जो भगवान श्री बालाजी यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी जो गरुड़ पर आरूढ़ हुए हैं। और देखिए यहाँ पर विद्युत दीपों के साथ कितने ही सुंदर रमणीय पूर्वक से यहाँ इस तिरुमल क्षेत्र को सजाया गया है। देखिए यहाँ पर भगवान परिक्रमा के लिए तिरुवीथियों की परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। बारिश हो रही है फिर भी भगवान भक्त जनों को, क्योंकि भक्तों को वे ज़्यादा निरीक्षण लेने नहीं देते हैं, इसीलिए उनके लिए भगवान निकल पड़े हैं। दासः सखा वाहनमासनम ध्वजोयस्ये वितानम व्यंजनम त्रयीमयः। क्योंकि गरुड़ अपने आप को श्रीमन महाविष्णु के दास मानते हैं और इन उसी दासत्व के कारण भगवान के निज वाहन के रूप में गरुड़ को बताए जाते हैं। गरुत्मंत अर्थात गरुड़ हमेशा वे स्वामी के सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की पाद सेवा ही उनका मुख्य कार्य है। वे हमेशा स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहने वाले भक्तों में मुख्य हैं। देखिए यहाँ पर कई भक्तजन अर्चक जन सब लोग भगवान की यात्रा में भाग ನಲಲೋನನೆ ಭಕ್ತರು ಕದಲಿ ನಾನಾದಿ ಕುಲ ನರುಲಲ್ಲ ನಾನಲಲೋನನೆ ಭಕ್ತರು ಕದಲಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ವಾಸುಲು ಸುಬ್ರತ ಮೂಲ ತೋಡನಿ ಭಕ್ತರು ಕದಲಿ ಶತ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ವಾಸುಲು ಸುಬ್ರತ ಮೂಲ ತೋಡನಿ ಭಕ್ತರು ಕದಲಿ ನಾನಾದಿ ಕುಲ ನರುಲೆಲ್ಲ ವಾನಲಲೋನನೆ ಭಕ್ತರು ಕದಲಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮೂಡು
కడు మంచి మణులు కరులు తురగములు పడిగొని జలగుచు బత్తురు కదలి నానాదిక్కుల నరునెల్ల వానలలోనని బత్తురు కదలి వర్ధనులు మండలేశ్వరులు జగదేకపతులు చతురులును తగు వెంకటపతి దర్శింపక బహు మగల సంపదల బత్తురు కదలి తగు వెంకటపతి దర్శింపక బహు మగల సంపదల బత్తురు కదలి నలలోనని వత్తురు కదలి గోవింద హరి గోవింద 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 భక్తజనో లీజియే బహుత్ దిన్ పహలే హీ హనుమాచారి జీ నే స్పష్ట కహ దియా హై అనేక దిశాఓన్ సే భక్తజన్ ఆతే హై वर्षा में भीग कर आते हैं। आज भी हम देख रहे हैं भक्तजन आनंद के साथ भगवान की उस दिव्य मूर्ति को देखने के लिए, दिव्य मूर्ति के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं और देख रहे हैं। वर्षा की बूंदों से भी वे भी स्नात हो रहे हैं। भगवान इस प्रकार भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज की एक विशेषता भी है, आज भगवान वैनतेय पर, विनता पुत्र पर आसीन होकर के त्रिवीतियों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस दर्शन के साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है। इसमें पांचवें दिन पर वेंकटेश भगवान अनेक आभरणों से लसित है। उनमें जो मूल विराट मूर्ति को नित्य पहनाए जाते हैं, उन आभूषणों से युक्त होकर के आज बाहर आए हुए हैं। अर्थात मूल विराट मूर्ति जिन आभूषणों से संपन्न होते हैं उनसे आज लसे हुए हैं भगवान। इस रूप में अपने वाहन गरुड़ वाहन पर, प्रिय गरुड़ वाहन पर आसीन होकर आए हुए हैं और उन आभूषणों में मकरकंठी है, मकर के रूप में है, देख लीजिए। लक्ष्मी माला है, लक्ष्मी माला भी आपको दिखाई देती है, सब सोने से भरी हुई, और वेंकटेश के सहस्रनाम माला है। इन तीनों मालाओं से लसित होकर के भगवान दिखाई दे लीजिए। लक्ष्मी देवी की माला दिखाई दे रही है और उनको देख लीजिए। उनके साथ ही उनकी सहस्रनाम अर्चन जो चलता है, उन नामों के साथ बने हुए सामों से लसित माला भी एक महान माला के रूप में यहाँ विराजमान है, और साथ साथ मकरकंठी भी है। इन सबसे युक्त होकर के भगवान भक्तों के दर्शन के लिए तिरुवीथियों में निकले हैं। वर्षा हो रही है फिर भी भक्तों में किंचित भी विचलन नहीं है। भक्त अपने हृदय में जो प्रेम है, जो अगाढ़ प्रेम है, भक्ति है, भक्ति की वाहिनी बह रही है, उनके साथ युक्त होकर के भक्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वे अपने छाते भी ले रहे हैं, कोई किसी का सहारा भी ले रहे हैं, और फिर भी भगवान का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में आज भक्त भी विराजमान है। इन भक्तों के सामने भगवान उस रूप में आ रहे हैं जिस रूप में जिन आभूषणों से लसित होकर के प्रतिदिन भगवान अपने मूल विमान में भक्तों को दर्शन देते हैं, उन आभूषणों के साथ युक्त होकर के भगवान आज भक्तों के सामने आए हैं।
और लीजिए इस महत स्वरूप का दर्शन करना कितना भाग्यदायक है, कितना विशेष स्फूर्ति देने वाला स्फूर्तिदायक है। भगवान सुशोभित है अनेक सभी आवरणों से, अनेक आवरणों से। उन आवरणों में भी मूल विराट के साथ जुड़े आवरणों से लसित होकर के अभेद की स्थिति पर हम आए हुए हैं। अर्थात मूल विराट का दर्शन और आज का दर्शन दोनों समान है। यद्यपि मूल विराट और उत्सव मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, वही भगवान उन्हीं सभी कड़ावों के साथ हमारे सामने आते हैं, ऐसे भगवान का हम दिव्य दर्शन ले रहे हैं। भक्तजनों, ये इस दर्शन के लिए हम कितने भाग्यशाली हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी देख लिए सामने वनिताए सुंदर वेशभूषा में, भक्तों की वेशभूषा में। अब किटु गरुड़नी वेक्किननु, किटु गरुड़नी वेक्किननु, पट पट दे कुलुब गन परिले, किटु गरुड़नी वेक्किननु, पट पट दे कुलुब गन परिले, किटु गरुड़नी वेक्किननु, पट पट दे कुलुब गन परिले, किटु गरुड़नी वेक्किननु, पट पट दे कुलुब गन परिले, किटु गरुड़नी वेक्किननु, किटु गरुड़नी वेक्किननु, ఎగసిన గరుడని ఏ పునఖాయని జిగిదొల కసబుకు చేసినను, ఎగసిన గరుడని ఏ పునఖాయని జిగిదొల కసబుకు చేసినను, నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు, నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు, గగనము జగములు గడగడవడగే, నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు, గగనము జగములు గడగడవడగే, ఇటు గరుడని వెక్కినను, పట పట దే కులుబ గణ పగిలే, ఇటు గరుడని వెక్కినను, ఇటు గరుడని వెక్కినను, బిరుసుగా గరుడని పేరెము దోలుచు బెరసి నీవు కోపించినను, బిరుసుగా గరుడని పేరెము దోలుచు బెరసి నీవు కోపించినను, సరుసనఖిలములు జర్జరితములై, సరుసనఖిలములు జర్జరితములై, తిరుపున నలుగడ దిర దిర దిరిగే, సరుసనఖిలములు జర్జరితములై, తిరుపున నలుగడ దిర దిర దిరిగే, ఇటు గరుడని వెక్కినను, పట పట దే కులుబ గణ పగిలే, ఇటు గరుడని వెక్కినను, ఇటు గరుడని వెక్కినను, పల్లించిన నీ పసిడి గరుడని కెల్లున నీ వెక్కినయప్పుడు, పల్లించిన నీ పసిడి గరుడని కెల్లున నీవెక్కినయప్పుడు, ఝల్లని రాక్షస సమితి నీ మహిమ, ఝల్లని రాక్షస సమితి నీ మహిమ, వెళ్ళి మునుగుదురు వెంకటరమణ, ఝల్లని రాక్షస సమితి నీ మహిమ, వెళ్ళి మునుగుదురు వెంకటరమణ, ఇటు గరుడని వెక్కినను, పట పట దే కొలుబ గణ పగిలే, ఇటు గరుడని వెక్కినను, పట పట దే కొలుబ గణ పగిలే, ఇటు గరుడని వెక్కినను, ఇటు గరుడని వెక్కినను, ఇటు గరుడని వెక్కినను, ఇటు గరుడని వెక్కినను. Thank you.
वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, वार्षिक नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के पांचवें दिन की रात में आप गरुड़ वाहन पर आरूढ़ कलियुग देव श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पुण्य दर्शन कर रहे हैं कि अन्नमैया ने बहुत पहले इस गरुड़ वाहन सेवा के बारे में इस रूप में बताया, इधर तुम गरुड़ पर चढ़े उधर दिशाएं ध्वनित फड़ फड़ उड़े बढ़े गरुड़ सीधे नभ में संकेत संदेश बल भी ना रुके निगम निगमांत समूह कंपे गगन अरु सकल जग भर थर थर। मानो चारों दिशाएं दिक्पाल समेत थर थर कांप उठे हैं गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर स्वामी जब पधारते हैं। आखिर ये सवाल उठता है कि श्री महाविष्णु ने गरुड़ को ही क्यों अपना वाहन बनाया, अपने नित्य सुरों में क्यों उनको शामिल कराया, कि गरुड़ की कहानी जो पौराणिक कहानी स्पष्ट करती है कि गरुड़ अपनी माँ के लिए समर्पित पुत्र है और अपने बल के लिए अपने वेग के लिए प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री महाविष्णु को जो है ये पता चला कि गरुड़ ने जब अपनी माँ को गुलामी से बचाने के लिए इंद्र जैसे महावीर और उनके वज्राई से भी बचकर जो अमृत कलश ले आए और अपनी माँ की गुलामी को दूर किया, तब श्री महाविष्णु को लगा कि शायद मेरे सबसे बड़े सेवकों में श्री गरुड़ जो है महासेवक बन सकते हैं, कि गरुड़ वाहन पर जो है इतना प्रेम इतना प्रिय होने का ये मूल आधार है कि गरुड़ नित्य सुरों में अपने साथ रहने वाले सदा साथ रहने वाले सुरों में एक सुर है और गरुड़ सेवक और स्वामी और सेवक के संबंध के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कहा गया है, दासो मित्रम ताल वृंतम वितानम पीठम बासो वाहनम च द्वनाशा एवं भूतवाने कथा सर्वदा सहा श्री शमा श्रीमान सेवते वैनतेया। ये कहा गया है कि गरुड़ सिर्फ एकमात्र वाहन नहीं है, स्वामी और सेवक के बीच के संबंधों के लिए जैसे नवरात्रि ब्रह्मोत्सव में दो पक्षी ऐसे हैं जिनका जो है वाहन जो है देखते हैं हम, एक तो हंस वाहन है और दूसरा गरुड़ वाहन है। जो है हंस ज्ञान के लिए प्रतीक है, वैसे ही गरुड़ शक्ति बल के लिए वेग के लिए प्रतीक माने जाते हैं कि श्री महाविष्णु राक्षस संहार करने के लिए जब निकलते हैं सर्वशक्तिमान वाहन श्री गरुड़ पर ही आरूढ़ होकर निकलते हैं। गरुड़ एकमात्र जो है वाहन ही नहीं है, दास के रूप में सखा के रूप में हथपंखे के रूप में चांदनी के रूप में आवास के रूप में वाहन के रूप में ध्वज के रूप में, यहाँ तक भी हम देखते हैं ब्रह्मोत्सव के आरंभ में जब ध्वजारोहण किया जाता है गरुड़ का चित्र जो है उस ध्वज में पहराया जाता है, समस्त देवताओं को देवतागणों को निमंत्रण दिया जाता है स्वामी के ब्रह्मोत्सव होने वाले हैं कि आप समस्त देवतागण यहाँ पर वेंकटाद्रि पर पहा जो है वेंकटाद्रि पर पधारिए। ये मान्यता है आज वेंकटाद्रि पहाड़ पर सिर्फ श्री महाविष्णु ही नहीं है, समस्त देवतागण यहाँ पर मौजूद है।
वेदस्य वै हरेः बभूव च स्वयं साक्षात् छंदो मूर्ति ही बगेश्वरः। पक्षियों का राजा कहलाने वाले गरुड़ सर्पों का शत्रु भी हैं। प्रजापतियों में मुख्यतः कश्यप प्रजापति हैं। उनके रानियों में से विनता और कद्रू भी हैं। विनता ने अनूर और गरुत्मंत नामक दो बेटों को जन्म दिया था और अनूर ने सूर्य भगवान के सारथी बने तो गरुत्मंत भगवान विष्णु मूर्ति के रथ एवं जयध्वज बने। श्री हरि ने जिस प्रकार से आदिवराह रूप में हिरण्याक्ष को वध करके भूदेवी की रक्षा की, उसके बाद उन्होंने गरुत्मंत को बुलाकर तुरंत वैकुंठ से अपनी क्रीडाद्रि को लाने की आज्ञा दी। तब गरुत्मंत ने श्री विष्णु भगवान के आदेशानुसार पृथ्वी पर सुवर्णमुखी नदी के उत्तर दिशा की ओर इस पर्वत को प्रतिष्ठित किया था। वही आगे चलकर गरुड़ाद्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बात की पुष्टि हमें मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होती है। वैकुंठ लोकात गरुडेन विष्णुः क्रीडाचलो वेंकटनामधेयः आनीय च स्वर्णमुखी समीपे संस्थापितो विष्णु निवासे निवास हेतु। महर्षियों ने गरुड़ाद्रि एवं वेंकटाद्रि को वेद स्वरूप के रूप में वर्णन किया है। देखिए यहाँ पर भक्तजन उस भगवान की मूर्ति की और उस शोभा यात्रा में वे लोग भागीदारी जिस प्रकार से ले रहे हैं उसके लिए बहुत ही अत्यंत संतुष्टता जो है उनमें दिखाई दे रही है और भक्तजन भी अपने भक्ति को अनेक प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। भक्त सुलभ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण दर्शन से ही समस्त पाप मिट जाते हैं। आज हमें वह सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है SVBC चैनल के माध्यम से पर बैठकर वाहन पधार कर इसको वीक्षण कर रहे हैं, इस वाहन सेवा का वीक्षण कर रहे हैं और कुछ लोग जो लोग नहीं आ सकते हैं वे लोग घर ही बैठकर इस शोभा यात्रा को बहुत ही खुशी और उल्लास हर्षोल्लास के साथ देख रहे हैं। ये तो बहुत ही भव्य दिव्य शोभा यात्रा है जो तिरुमल क्षेत्र पर हर वार्षिकोत्सवों में जो मनाया जाता है और आज नवरात्रि के संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भक्त जन संदोह जो है जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा रेत डालने पर भी वो भी दिखाई नहीं देगा, इतने भक्त जन वहाँ पर खड़े हुए हैं। और भगवान हमारे पास कब आएंगे, हमारे कष्टों का निवारण कब होगा, इस प्रकार से वे लोग वहां पर भगवान की निरीक्षण कर रहे हैं। तिरुवीथियों में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी शोभा यात्रा के लिए जिस क्रम में निकले हैं उसमें श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा भजेहम भजेहम इस प्रकार से भक्तजनों श्री वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुति करते हुए गोविंद नाम स्वरण से आज श्री वेंकटाचल पर्वत जो है वह गूंज रहा है। देखिए यह दिव्य मूर्ति की भावी
తెలసినా బ్రహ్మవేత్తలకు ఇది తెరువు నీ ఒక్కడవే సర్వాధారము నిన్నే ఎరిగిన అన్నీ నెరుగుట శ్రీ వెంకటేశ
మతము భక్తజనో భగవాన్ కి స్తుతి కే సాథ్ సాథ్ హమ్ భగవాన్ కో వహనతే పర్ విరాజమాన్ హోకర్ శోభా యాత్రా మే భక్తోం కే మనోం కో అనురంజిత్ కర్తే హుయే దేఖ్ రహే హై. वैसे वैनतेव भी कम नहीं है, भगवान के समान वैनतेव को भी मानते हैं, गरुड़ को भी मानते हैं. कहा गया है वाहनाय महाविष्णु पक्षिन्द्राय वरात्मने गरुड़ाय नमस्तुभ्यम सर्वसंपत् समृद्धये. गरुड़ भी सभी संपत्तियों को देने वाले हैं, संपत्तियों से समृद्ध करने वाले हैं. भक्तजनों को जो उनके मन की इच्छाएं होती है उनको पूर्ण करने वाले हैं. ऐसे भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं. गरुड़ जी भी उतना ही महिमावान है. इतना ही नहीं, आगे कहा गया है विज्ञान संपन्न मति. भगवान तो ज्ञान जी है ही, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके वाहन के रूप में विराजमान गरुड़ भी विज्ञान संपन्न मति, ज्ञान बहुत ही अधिक है, मति भी ज़्यादा है. प्रपन्ने लक्ष्मी कटाक्षत पुण्यमूर्ति, लक्ष्मी के कटाक्षों से पुण्य प्राप्त करने वाले भी हैं. सिर्फ भगवान का ही कटाक्ष नहीं है, लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी के से भी वे वर पाए हुए हैं, उनके कटाक्ष से पूर्ति हुए हैं. ऐसे पुण्यमूर्ति हैं गरुड़. हरिप्रियो वैष्णव धर्मवेदी, वे हरिप्रिय तो है ही, इतना ही नहीं वैष्णव धर्म को सही ढंग से जानने वाले हैं. वैष्णव धर्म के हर लक्षण को अपने में आत्मसात करने वाले महान व्यक्तित्व से विभूषित हैं खगेश्वरो वा. वो सभी पक्षियों के ईश्वर हैं, पक्षियों में श्रेष्ठ हैं. वैसे गुरु मंत्र के संबंध में कह नहीं सकते. ऐसे भगवान गरुड़ को भी, भगवान सम है, ऐसे भगवान के साथ जुड़े हुए होने के कारण वे भगवान सम हो गए हैं. इसीलिए श्री मातृमूर्ति हमें रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे लिए जो हमारी कांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए. इसी गरुड़मान की अनेक नाम है. गरुड़मान गरुड़ तो कहते ही हैं, वैनते ही हैं, विनता के पुत्र हैं, कश्यप के पुत्र हैं, और उनकी पत्नी विनता के पुत्र हैं. एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए, विनता के दो पुत्र हैं, एक गरुड़ हैं जो वैनते नाम से हैं, एक अनूर हैं जो स्वयं सूर्य के रथ सारथी बन गए हैं. तो दोनों पुत्र भगवान के साथ जुड़ गए हैं. वैसे श्रीमन नारायण और श्री सूर्य में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम हमेशा भगवान को सूर्य नारायण भी कहते हैं. दक्षिण माड़ा वेदी में अब भगवान जा रहे हैं और भगवान अपना दर्शन भक्तों को दे रहे हैं. दिव्य दर्शनों से भक्त अनुरंजित हो रहे हैं. यही एक विशेष पर्व है, महापर्व है, और इस पर्व में हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं. भक्तों को देखिए किस प्रकार मन को कमलासना Thank you.
वेंकटेशाय।